नमस्कार। तो कैसे आप, और देखिए आज मैं कुछ अलग टाइप की बात करना चाहता हूं कि कैसे हमारे इंडियन फुटबॉल टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो बहुत ही शानदार कर रहे थे हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के लिए, क्लब लेवल पे भी, लेकिन इंजरीज की वजह से उनका पूरा करियर चौपट हो गया, पूरा करियर मतलब बर्बादी हो गया। और ये उन नए प्लेयर्स के लिए एक मैसेज भी है जो इंजरीज को बहुत ही हल्के में लेते हैं। मतलब इंजरीज आपकी लाइफ में सबसे डेंजर चीज हो सकती है एज अ एथलीट। तो देखिए मैं कुछ प्लेयर्स के बारे में बताता हूँ, इतने टॉप एथलीट्स होने के बाद भी इंजरी के कारण वो उस इंजरी को क्योर नहीं कर पाया और उनको बाहर जाना पड़ा मैदान छोड़ के। तो देखिए सबसे पहला नाम आता है जे जे लाल पेखलुआ। वो प्लेयर है जिसको सब इतना ऊंचा प्लेयर मानते थे कि अगर छेत्री नहीं खेल रहे तो जे जे लाल पेखलुआ स्कोर करेंगे, इतनी मतलब इतना ट्रस्ट था उनके ऊपर। 2013 में वो AIFF के इमर्जिंग प्लेयर बनते हैं और 2016 में AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर बन जाते हैं। तो देखिए मतलब परफॉर्मेंस कितना उन्होंने बना के रखा था। आई लीग विनर, ISL विनर वो दोनों रह चुके हैं। और बेस्ट डियो अगर देखा जाता है इंडियन फुटबॉल का तो जे जे लाल पेखलुआ और सुनील छेत्री का माना जाता है। इतना बेस्ट था, मतलब इन दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन हुआ करता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि बहुत अच्छी चीज है तो उसको नजर लग जाती है, तो इंजरी की नजर लग गई। देखिए वैसे जे जे लाल पेखलुआ को 2012 में कोई इंजरी हो गई थी जिससे उनको नी में पेन होना चालू हो गया था और उस टाइम से वो तकलीफ में खेलते थे। ये उन्होंने बाद में रिवील भी किया कि मुझे 2012 से तकलीफ थी नी में, तो लेकिन वो फिर भी खेल रहे थे और काफी अच्छा खेल रहे थे, उनका परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हैं। लेकिन अलग ही लगता था कि जे जे को कोई शायद प्रॉब्लम है पैर में, ये समझ में आता था, उनकी तकलीफ समझ में आती थी, लेकिन वो फिर भी खेल रहे थे, देश के लिए खेलना था। फिर क्या हुआ कि वो इंजरी काफी वर्स्ट केस में चली गई, फिर उन्होंने सर्जरी कराई। सर्जरी कराने के बाद फिर वो रिकवरी नहीं कर पाए और 2020 में लास्ट उन्होंने ईस्ट बंगाल में खेला था, तब तो वो वेट भी उन्होंने काफी गेन कर लिया था। तो ऐसे उनका करियर पूरी तरीके से बहुत ही यंग एज में खत्म हो गया। मतलब आप ये बोलिए कि आज की डेट में उनकी एज है 33 ईयर्स और हमने लास्ट उनको देखा था इंडियन टीम में एशियन कप में 2019 में, तब से वो इंडियन टीम के लिए नहीं खेले। सोचिए हमने कितने टाइम तक उनको मिस किया। अगर वो अभी होते ना तो छेत्री के पास एक ऐसा सपोर्ट होता था कि छेत्री भी काफी फ्री खेलते थे, क्योंकि जे जे को भी काफी एक्सपीरियंस हो गया था, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स वो खेल चुके थे। तो ये बात थी, लेकिन इंजरी की वजह से हमने एक बहुत ही हमारा एक जो शायद अभी अगर छेत्री रिटायर हो गए थे तो अभी वो लीड करते टीम को, लेकिन किस्मत हमारी खराब है। अब देखिए दूसरे प्लेयर है यूजेंसन लिंगडो। अब यूजेंसन लिंगडो को काफी जो अभी तुरंत तुरंत में जो इंडियन फुटबॉल को फॉलो कर रहे होंगे वो नहीं जान पाएंगे, लेकिन यूजेंसन लिंगडो की एक टाइम पे ऐसी ही डिमांड थी जैसे आज की डेट में अपुया की डिमांड है। मतलब कि पीक परफॉर्मेंस चल रहा था उनका, मतलब अपने ड्राफ्ट में भी भाई करोड़ में गए थे वो, करोड़ में अपने ड्राफ्ट में। 2015 में AIFF के प्लेयर ऑफ द ईयर बने थे और उस टाइम पे अपने इंडिया का बेस्ट मिडफील्डर अगर कहते तो वो यूजेंसन लिंगडो हुआ करते थे। लेकिन 2017 से उनको एक इंजरी हुई और उसके बाद धीरे धीरे तो बेंच पे गए थे, उनको चांस का मिलना चालू हुआ और वो रिकवर नहीं कर पाए, प्रॉपर फिट कभी हो ही नहीं पाए। और फाइनली फिर 2020 में उनको भी ईस्ट बंगाल में उन्होंने लास्ट खेला और उसके बाद उन्होंने भी जो है फुटबॉल छोड़ दिया था। और जिस टाइम उन्होंने फुटबॉल छोड़ा था उस टाइम वो 29 ईयर्स के थे केवल। तो सोचो इंजरी की वजह से उनके उसके पहले 2-3 साल खराब हुए, देन तो मान के चलिए कि 26-27 की एज में उनका जो पीक परफॉर्मेंस था वो इंजरी के कारण पूरा डाउन चला गया। तो इंजरी के कारण हमने इतना क्वालिटी मिडफील्डर जो है उसको मिस कर दिया, मतलब इतने सारे मैचेस के लिए। तो ये दो प्लेयर ऐसे, मतलब कि ये तो अब रिटायर हो चुके हैं फुटबॉल से, तो ये दो प्लेयर ऐसे थे काफी यंग एज में उनको रिटायरमेंट लेना पड़ा डायरेक्टली। ऐसा भी नहीं कि मैं बोलूंगा कि नेशनल टीम में नहीं खेल रहे, डोमेस्टिक में खेल रहे थे, नेशनल टीम से भी और डोमेस्टिक लीग से भी उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। अब देखिए मैं आपको एक ऐसे प्लेयर के बारे में भी बताना चाहूंगा जो इंजरी के कारण काफी चीजें मिस कर रहा है लेकिन है क्वालिटी प्लेयर, वो इंडिया टीम में खेलते हैं तो काफी चांस क्रिएट करते हैं और मतलब थ्रेट पैदा करते हैं डिफेंडर्स के लिए, जिनका नाम है आसिक कुरनियन। अब आसिक कुरनियन जो है भाई ये बहुत ही क्वालिटी प्लेयर है, मतलब कि आपने देखा है कि कई मौकों पर आप देख सकते हैं जो थ्रेट बनाते हैं मतलब डिफेंडर्स के लिए, पेनाल्टी बॉक्स में अपने स्किल्स के थ्रू जिस तरीके से ये फाउल्स वगैरह भी कमिट करवा देते हैं, स्किलफुल है, स्पीड बहुत अच्छी है, अटैकिंग डिफेंसिव दोनों रोल ये निभा सकते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर। लेकिन इन्होंने भी देखिए जो इंजरी के कारण काफी चीजें मिस करी और मेरे को फ्यूचर में भी थोड़ा बहुत डर लगा रहता है इनको, क्योंकि इनको रेगुलर जो है वो इंजरीज होते आ रही है। जब ISL में पुणे सिटी में थे तो इनको 95 डेज इन्होंने जो है वो इंजरी में बिताए थे। जब इन्होंने बेंगलुरु FC को साइन किया तो वहां पे भी 2 सीजन में लगभग 90 दिन इंजर्ड रहे, मतलब सोच लो कितने टाइम पीरियड तक इंजर्ड ही चले। देन इस सीजन में आपको पता है मोहन बगान के लिए भाई इतने अर्ली इंजर्ड हो गए, वो इराक के अगेंस्ट जब वो किंग्स कप खेलने गए थे जो इंजर्ड हुए तो पूरा सीजन चला गया। अब इसमें कितनी बड़ी चीजें मिस करी उन्होंने, अगर आसिक होते मे बी डिफरेंस हो सकता था कुछ, मतलब रिजल्ट को लेके। आप देखिए उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मिस किए,
उन्होंने एशियन कप मिस किया, उनका एक अलग इंपैक्ट होता है। आप देख लीजिए इंडियन फुटबॉल टीम के मैचेस, उनका इंपैक्ट अलग होता है, वो एक अलग ही टाइप के प्लेयर, अलग किस्म की उनकी जो खेलने की कला है थोड़ी अलग है। तो आशिक कुरनियन जो है उन्होंने भी अपने काफी चीजें इंजरी के कारण मिस करी है, तो आई होप कि आगे वो ये चीजें मिस ना करें, बिकॉज अभी भी उनके सामने काफी लंबा करियर बचा हुआ है। तो देखते हैं, बाकी मुझे थोड़ा बहुत डर लगा रहा था, बिकॉज जो प्लेयर बॉल के साथ बहुत स्किलफुल खेलता है उनको इंजरी वगैरह होते रहते हैं। अब नेमार भी एक एग्जांपल है, बाकी कई लोग को नहीं भी होती है, ऐसे मेसी ऐसी को कहाँ होती है। हर प्लेयर की जो बॉडी स्ट्रक्चर वो डिफरेंट है, कई लोग को बहुत ज्यादा इंजरी होती है, रिकवरी भी लेट होती है, कई लोग को इंजरी भी होती है लेकिन रिकवरी फास्ट होती है। तो सबका अपना अपना है, मतलब कि बॉडी स्ट्रक्चर सबका अलग अलग है, तो उसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता मैं। तो देखिए, ये मैंने कुछ बताया कि इंजरी जो है कितनी रिस्की है, पूरा करियर बर्बाद कर देती है। तो कई प्लेयर्स जो छोटी मोटी इंजरी को अवॉइड करते हैं कि चलिए खेल लेते हैं, मतलब मैं जॉइंट वाली इंजरीज की बात कर रहा हूं, जो जॉइंट्स में होती है ना, मसल इंजरी तो डिफरेंट थिंग है, मसल इंजरी रिकवर हो जाती कोई दिक्कत नहीं, जो जॉइंट्स की लिगामेंट्स वाली इंजरीज है ये काफी बेकार होती है। तो इनको अवॉइड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत तकलीफ आपको दे सकती है, जैसे जेजे को 2012 से उनको इंजरी थी। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इन चीजों के बारे में, आपके जो भी थॉट्स है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।